क्या हमने वॉयेजर 2 को हमेशा के लिए खो दिया है? ये सवाल कई दिनों से सभी स्पेस लवर्स के मन में दौड़ रही है, क्योंकि रिसेंटली 28 जुलाई को वॉयेजर 2 को ऑपरेट करने वाली कंपनी जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर पोस्ट करते हुए ये बताया कि 21 जुलाई को वॉयेजर 2 का जो एंटेना हमेशा अर्थ की ओर पॉइंटेड रहता था, वो अचानक से 2 डिग्री टिल्ट हो गया, जिसके कारण वॉयेजर 2 से नासा का कम्युनिकेशन अब टूट चुका है। पर इसमें एक नोट करने वाली बात यह है कि कम्युनिकेशन टूटने से पहले नासा के डीप स्पेस नेटवर्क यानी कि DSN ने वॉयेजर 2 से भेजा गया एक हर्ट बीट सिग्नल सुना था, जिसके बाद से ही नासा अपने डीप स्पेस नेटवर्क के जरिए लगातार 19 बिलियन किलोमीटर दूर इंटरस्टेलर स्पेस में ट्रैवल कर रहे वॉयेजर 2 स्पेसक्राफ्ट से दोबारा कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रही है, लेकिन हर कोशिश लगातार नाकामयाब हो रही है और वॉयेजर 2 इंटरस्टेलर स्पेस में एक अनजान ट्रेजेक्टरी में जा रहा है और हमें अभी भी नहीं पता कि ये कहां है या फिर ये है भी या नहीं है। वेल, आज के इस वीडियो में हम इस पूरी घटना के बारे में डिटेल में जानने वाले हैं। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। What happened to Voyager 2? July 21, 2023. Voyager 2 को ऑपरेट करने वाले साइंटिस्ट की टीम ने इसे गलती से रॉन्ग सीरीज ऑफ कमांड्स भेज दी, जिसके चलते Voyager 2 का एंटेना जो हमेशा अर्थ की ओर पॉइंटेड रहता था, वो 2 डिग्री तक टिल्ट हो गया, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि ऑस्ट्रेलिया के कैनबरा में 1963 में बनाए गए अब तक के सबसे ताकतवर नेटवर्क DSN यानी कि डीप स्पेस नेटवर्क से वॉयेजर 2 का कम्युनिकेशन टूट गया। और अब करेंटली वॉयेजर 2 ना तो DSN नेटवर्क से भेजे जाने वाले कोई भी कमांड को रिसीव कर रहा है और ना ही हम वॉयेजर 2 से आने वाले कोई भी डेटा को कलेक्ट कर पा रहे हैं। इन शॉर्ट, वॉयेजर 2 और हमारा इस समय कोई भी संपर्क नहीं है। एंड ऑफ कोर्स, इस तरह से कम्युनिकेशन का लॉस्ट होना ये जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी के वैज्ञानिकों की ही मिस्टेक है और इसमें किसी और का हाथ नहीं है। वॉयेजर 2 इस समय पृथ्वी से 19.9 बिलियन किलोमीटर दूर है और लगातार इंटरस्टेलर स्पेस में आगे की ओर बढ़ता जा रहा है। अब देखो, जब से इससे नासा के DSN नेटवर्क के बीच संपर्क टूटा है ना, तभी से नासा इसे कम्युनिकेशन रीस्टैब्लिश करने की कोशिश में लगी है। वॉयेजर्स प्रोजेक्ट मैनेजर सुजैन डॉट का इस बारे में कहना है कि हमने ये देखने में डीप स्पेस नेटवर्क एंड रेडियो साइंस ग्रुप्स की मदद ली कि क्या अब भी हम वॉयेजर 2 के सिग्नल सुन सकते हैं। कम्युनिकेशन टूटने के बाद से ही हम लगातार इसके सिग्नल से कम्युनिकेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी यानी कि JPL भी वॉयेजर 2 को एक नया सीरीज ऑफ कमांड लगातार भेज रही है, ताकि अगर वॉयेजर 2 इस कमेंट को रिसीव करे तो वो अपने एंटीनास को दोबारा से अर्थ की ओर मोड़ ले। पर साथ ही साथ डॉट ने भी ये मेंशन किया है कि इसकी काफी कम पॉसिबिलिटी है कि अब हमारा वॉयेजर 2 DSN नेटवर्क द्वारा सेंड किए जा रहे इन सिग्नल्स को रिसीव करेगा। नाउ द क्वेश्चन इज, Will we be able to communicate with Voyager 2 again? Voyager 2 से सिग्नल लॉस्ट होने के बाद से ही लगातार नासा का DSN नेटवर्क उसकी ओर अपने एंटीना को दोबारा से अर्थ की ओर पॉइंट करने के लिए सिग्नल भेज रहा है और उससे भेजे जाने वाले सिग्नल्स को रिसीव करने की भी कोशिश की जा रही है। और इसमें नासा को कुछ हद तक सफलता भी मिली है, क्योंकि रिसेंटली नासा ने 1 अगस्त को अपने ऑफिशियल साइट पर अपडेट देते हुए बताया कि नासा ने DSN नेटवर्क की मदद से वॉयेजर 2 से आने वाले एक बहुत ही वीक कैरियर सिग्नल को डिटेक्ट किया है। अब ये सिग्नल लगातार वॉयेजर 2 द्वारा अर्थ की ओर भेजा जा रहा है, पर क्योंकि वॉयेजर 2 का एंटीना इस समय डायरेक्टली पृथ्वी की ओर पॉइंटेड नहीं है, इसीलिए कैरियर सिग्नल काफी ज्यादा वीक है, जिनके जरिए हम इस सिग्नल में मौजूद डेटा को भी एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं। अब नासा के वैज्ञानिकों ने वॉयेजर 2 के इन वीक कैरियर सिग्नल्स को हर्ट बीट का नाम दिया है, क्योंकि 46 सालों से सोलर सिस्टम को एक्सप्लोर करने में हमारी आंख और कान बने वॉयेजर 2 का 21 जुलाई में सिग्नल लॉस्ट होने के बाद मिला ये पहला सिग्नल हफ्ते भर के अंधेरे में किसी होप की तरह था, जो हमें इंडिकेट करता है कि अभी भी वॉयेजर 2 अलाइव है और अपनी इटर्नल जर्नी को जारी रखे हुए है। अब नासा के ऑफिशियल्स का इस बारे में कहना है कि वॉयेजर 2 से आने वाले ये सिग्नल एक उम्मीद भी जगाते हैं कि शायद अब वॉयेजर 2 से कम्युनिकेशन जल्द ही एस्टैब्लिश किया जा सकता है। अब इस बारे में 1 अगस्त को नासा जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी यानी कि JPL के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट में भी ट्वीट करते हुए ये लिखा गया कि इंजीनियर्स वॉयेजर 2 से आने वाले ट्रांसमिशन कैरियर सिग्नल को रिकॉर्ड कर पा रहे हैं। अब देखो, ये हार्ट बीट सिग्नल एक प्रूफ है कि स्पेसक्राफ्ट अभी भी अलाइव ऑपरेटिंग कंडीशन में है। अब देखो, वैज्ञानिकों का इस बारे में कहना है कि भले
भले ही हमने वॉयेजर 2 से संपर्क तोड़ दिया है, लेकिन वॉयेजर 2 अभी भी अपनी एक्सपेक्टेड ट्रेजेक्टरी की ओर ही बढ़ रहा है। वैसे वॉयेजर 2 अभी पृथ्वी से जितना दूर है ना, उसमें लाइट स्पीड से ट्रेवल करने वाले नासास DSN नेटवर्क के सिग्नल्स को भी उस तक पहुंचने में 18.5 आवर्स का समय लगता है, और अभी तो वैसे भी इससे सिग्नल्स नहीं आ पा रहे हैं। तो ऐसे में इसकी कोई भी गारंटी नहीं है कि उसकी ओर भेजे जाने वाला कोई भी सिग्नल या फिर कमांड ये रिसीव करेगा भी या नहीं, क्योंकि एज आई सेड बिफोर कि कम्युनिकेशन लॉस्ट होने के कारण DSN नेटवर्क भी अभी उससे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है। और अगर वॉयेजर 2 इसके द्वारा भेजे गए किसी सिग्नल को रिसीव ही नहीं कर पाता और हमारा अभी इससे कम्युनिकेशन नहीं हो पाता, तब हमें मिड अक्टूबर तक का इंतजार करना होगा, क्योंकि तब वॉयेजर 2 स्पेसक्राफ्ट अपने प्रोग्राम में कोडेड इंस्ट्रक्शन के जरिए ऑटोमेटिकली अपने एंटीना की डायरेक्शन को रीसेट करके दोबारा से अर्थ की ओर पॉइंट करेगा। अब देखो, वॉयेजर 2 के अपने एंटीना को रीसेट करके टाइम टू टाइम अर्थ की ओर पॉइंटेड करने की ये कमांड इसके प्रोग्राम में वैज्ञानिकों ने इसी तरह के सिचुएशंस के लिए लगाई थी कि अगर कभी भी गलती से इसके एंटीना की डायरेक्शन चेंज होती है तो भी स्पेसक्राफ्ट खुद ही टाइम टू टाइम अपने प्रोग्राम में कोडेड प्लान्ड सीरीज ऑफ ऑटो रीसेट्स के चलते अपने एंटीना को अर्थ की डायरेक्शन में मोड़ सके, ताकि इससे हमारा संपर्क बना रहे। और इसी प्रोग्राम के चलते वॉयेजर 2 46 सालों तक नासा के संपर्क में रहा है। यानी हमारे पहले सवाल का जवाब तो हमें मिल गया कि वॉयेजर 2 कहीं खोया नहीं है, बस अभी के लिए हमारा इससे संपर्क नहीं रहा है। पर जब ऑटो रीसेट के चलते ये अपने एंटीना को दोबारा अर्थ की ओर पॉइंट करेगा ना, तब नासा के DSN नेटवर्क से इसका दोबारा से कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश हो जाएगा। पर इसके लिए हमें कुछ महीनों का इंतजार करना होगा, क्योंकि इसके प्रोग्राम के मुताबिक वॉयेजर 2 का नेक्स्ट ऑटो रीसेट 15 अक्टूबर को होने वाला है। मीनिंग कि ये ऑलमोस्ट कंफर्म है कि अब नहीं तो 15 अक्टूबर को हम इसे कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश कर ही लेंगे। तब तक के लिए हमें थोड़ा वेट करना होगा, लेकिन डोंट वरी, भले ही हमारा वॉयेजर 2 से कम्युनिकेशन टूट गया हो, लेकिन अभी भी हमारे पास इसका ट्विन ब्रदर यानी कि वॉयेजर 1 है, जो अभी भी नासा के DSN नेटवर्क से कम्युनिकेट कर रहा है और लगातार सोलर सिस्टम के एज की ओर बढ़ता चला जा रहा है। वैसे करेंटली वॉयेजर 1 पृथ्वी से 24 बिलियन किलोमीटर दूर है। बट वेट ए सेकेंड, अभी रिसेंटली 5 अगस्त को एक नया अपडेट आया है। तो एज आई सेड अर्लियर कि नासा के वैज्ञानिक लगातार ऑस्ट्रेलिया के कैनबरा में मौजूद डीप स्पेस नेटवर्क फैसिलिटी की मदद से वॉयेजर 2 से कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे थे। इसके लिए DSN नेटवर्क से लगातार वॉयेजर 2 की ओर सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्टिंग सिग्नल्स सेंड किए जा रहे थे, ताकि स्पेसक्राफ्ट अपने एंटीना को दोबारा से रीओरिएंट करते हुए अर्थ की ओर मोड़ दे। पर जैसा कि मैंने वीडियो के शुरुआत में बताया कि 3 अगस्त तक वॉयेजर 2 से हमारा कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करने का कोई भी एफर्ट सक्सेसफुल नहीं हुआ था। इसी बीच हमने आप तक वॉयेजर 2 के इस इंपॉर्टेंट अपडेट को जल्दी पहुंचाने के लिए इस टॉपिक की स्क्रिप्टिंग, शूटिंग एंड एडिटिंग का सारा काम कंप्लीट कर लिया था। लेकिन वीडियो को अपलोड करने से पहले ही 5 अगस्त को नासा ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर एक नई अपडेट में बताया कि 4 अगस्त को 12:29 AM EDT यानी कि ईस्टर्न डे टाइम इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग 5 अगस्त को सुबह के 9:59 AM पर DSN स्पेस नेटवर्क ने वॉयेजर 2 से प्रॉपर कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश कर लिया है। और अब नासा के वैज्ञानिक स्पेसक्राफ्ट द्वारा सेंड किए जा रहे साइंटिफिक डेटा को भी काफी आसानी से कलेक्ट एंड रीड कर पा रहे हैं। इन शॉर्ट, अब वॉयेजर 2 और नासा का कम्युनिकेशन वापस से एस्टैब्लिश हो चुका है। अब यहां पर सवाल है कि वेयर इज वॉयेजर 2 राइट नाउ। तो देखो, वॉयेजर 2 और इसका आइडेंटिकल ट्विन वॉयेजर 1, इन दोनों को ही साल 1977 में लॉन्च किया गया था, लेकिन तब से 46 सालों में इन दोनों स्पेसक्राफ्ट ने सोलर सिस्टम में बिलियंस ऑफ किलोमीटर्स की इतनी ज्यादा दूरी तय कर ली है जहां तक इंसानों का कोई भी स्पेसक्राफ्ट नहीं पहुंच पाया है। और आने वाले भविष्य में भी किसी दूसरे स्पेसक्राफ्ट के लिए इन दोनों स्पेसक्राफ्ट का रिकॉर्ड तोड़ना काफी मुश्किल होगा। ह्यूमन हिस्ट्री में ये दोनों ही स्पेसक्राफ्ट है जिन्होंने इंटरस्टेलर स्पेस में अपना कदम रखा है। वॉयेजर 1 साल 2012 में ऐसा पहला स्पेसक्राफ्ट बना जिसने सोलर सिस्टम के बाद इंटरस्टेलर स्पेस में एंटर किया, और वॉयेजर 2 फिर दूसरा स्पेसक्राफ्ट बना जिसने दिसंबर 2018 में सन के प्रोटेक्टिव मैग्नेटिक बबल यानी कि हीलियोस्फीयर को पार करते हुए इंटरस्टेलर स्पेस में एंट्री मारी। अब दोस्तों, हीलियोस्फीयर सूरज के स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड से जनरेट होने वाला एक बबल है जो पूरे सोलर सिस्टम को अपने अंदर समेटे हुए है, और लगातार इंटरस्टेलर स्पेस से आने वाले खतरनाक कॉस्मिक रेडिएशन को सोलर सिस्टम में एंट्री करने से रोक रहा है। वैसे क्या आपको पता है कि जब दोनों वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट को साल 1977 में लॉन्च किया गया था, तब ये केवल 5 सालों तक का ही मिशन था, पर स्पेसक्राफ्ट ने हर किसी के एक्सपेक्टेशन को पार करते हुए अनबिलीवेबल तरीके से 46 सालों तक काम किया।
पर अब इन स्पेसक्राफ्ट के न्यूक्लियर पावर बैटरी सप्लाई भी काफी ज्यादा कम हो चुकी है, जिसके कारण दोनों स्पेसक्राफ्ट के ज्यादातर इक्विपमेंट्स पहले ही ऑफ हो चुके हैं। और अब आने वाले 5 सालों में स्पेसक्राफ्ट का कम्युनिकेशन डिवाइस भी ऑफ हो जाएगा। यानी नासा की माने तो अब ये दोनों वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट बस साल 2026 तक ही ऑपरेशनल रहेंगे। चलिए अंत में देखते हैं रिसेंटली जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप द्वारा ली गई रिंग नेबुला की ग्लोइंग ग्रीन एंड पर्पल आई कलरफुल इंफ्रारेड इमेज, जिसे वैज्ञानिक रिंग नेबुला की अभी तक की सबसे डिटेल्ड इमेज कहते हैं। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की इस इंफ्रारेड इमेज में हमें रिंग नेबुला एक ग्लोइंग ग्रीन एंड पर्पल आई की तरह लग रही है। अर्थ से अराउंड 2200 लाइट ईयर्स दूर लायरा कॉन्स्टेलेशन में मौजूद रिंग नेबुला को मेसियर 57 के नाम से भी जाना जाता है, जो अपनी डिस्कवरी के बाद से ही अपनी इस आंख जैसे डिफरेंट शेप के कारण वैज्ञानिकों को अपनी ओर अट्रैक्ट करती रही है। इसके अलावा इसमें मौजूद स्टार्स का बर्थ एंड डेथ साइकिल ऑब्जर्व करने से हमें हमारे सूरज के यंगर वर्जन एंड इसके फ्यूचर में बनने वाले रेड जायंट स्टार का भी स्टडी करने का मौका मिलता है, क्योंकि रिंग नेबुला में ओल्ड रेड जायंट स्टार्स की भी भरमार है। रिंग नेबुला की कई इमेज हम पहले हबल स्पेस टेलीस्कोप से भी कैप्चर कर चुके हैं, लेकिन वे सभी इतनी ज्यादा डिटेल नहीं थी। पर जेम्स वेब ने हमें इस नेबुला के क्लाउड्स को पार करते हुए इसके अंदर मौजूद स्टार्स की चमक को देखने की भी परमिशन दी है, जिसमें ये जो आप ब्राइट डॉट्स देख रहे हैं ना, ये सभी स्टार्स है अपने डेथ स्टेज पर। बट इसके मोस्टली स्टार्स ओल्ड रेड जायंट्स के रूप में है, जो अरबों सालों के बाद अपनी लाइफ के फाइनल चैप्टर को देखते हुए धीरे धीरे अपने अंत की ओर बढ़ रहे हैं, जिसे वैज्ञानिक सूरज का फ्यूचर वर्जन भी कह रहे हैं। क्योंकि एज आई सेड कि आने वाले 5 अरब साल बाद हमारा सूरज भी इसी तरह के एक रेड जायंट स्टार में बदलते हुए मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ और मार्स को अपने अंदर निगल लेगा। पर चिंता करने की कोई बात नहीं है, इसमें अभी काफी समय है। क्या पता तब तक हम Type 2 या फिर Type 3 सिविलाइजेशन बन चुके हों और अपनी अनबिलीवेबल एडवांस टेक्नोलॉजी के जरिए पृथ्वी और इस सोलर सिस्टम को छोड़कर किसी और स्टार सिस्टम में चले जाएं। पर अगर हम तब तक ये नहीं कर पाए तो शायद पृथ्वी के साथ इंसानियत को भी सूरज निगल जाएगा। वैसे आपको क्या लगता है? आप अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर लिखकर बताना। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको इस वीडियो से काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर मिला तो इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर देना। अब अगर आप नए हो इस चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना, क्योंकि ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन हमें इससे काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए नए वीडियोस बनाने में। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।